Hi dear friends, welcome to Study Point English class and now we discussed about uses of simple present tense. दोस्तों आज हम लोग uses of simple present tense के बारे में चर्चा करेंगे जो काफ़ी important है. दोस्तों इससे पहले हम लोग दो uses पढ़ लिए थे, आज हम तीसरा uses पर चर्चा करेंगे और लिखेंगे use number 3. देखिए use number 3 जो है बहुत ही आसान है दोस्तों. इसको देखिए कैसे आसान है मैं बताना चाहता हूँ. देखिए आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो प्रयोग होता है वो प्रेजेंट को हैबिट को बताने के लिए कर सकते हैं. प्रेजेंट के हैबिट का मतलब क्या यहाँ हुआ, सीक्वेंस ऑफ इवेंट यानी घटनाओं का अनुगमन, यानी कोई घटना वर्तमान समय में घटती है ठीक है तो और वो एक आदत है, दिनचर्या है, तो उसके लिए आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग कर सकते हैं. दोस्तों अगर कोई घटना वर्तमान समय में घटती है और वो एक आदत है, एवरी डे का आदत बन चुका है, तो ऐसे घटनाओं को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में अभिव्यक्त करते हैं. जैसे देखिए इस पे कुछ एग्जांपल हम लोग देखते हैं. जैसे लिखते हैं आई गेट अप बिफोर सनराइज. डियर फ्रेंड्स आप यहाँ देखिए हम गेट अप का यूज किए हैं क्योंकि ये स्ट्रक्चर किसका है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का. इससे क्या पता चलता है कि मैं सूर्योदय के पहले उठता हूँ, मैं सूर्योदय के पहले क्या करता हूँ, उठता हूँ. चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल पर देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं. जैसे हम लिखते हैं सुरेश वर्क्स इन द मॉर्निंग. सुरेश वर्क्स इन द मॉर्निंग. सुरेश वर्क्स इन द मॉर्निंग, सुरेश सुबह में काम करता है, यानी इसका आदत है सुबह में काम करने का, इसलिए हम यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसे बनाए हैं. और कोई काम अगर हम वर्तमान समय में करते हैं और वर्तमान का आदत हो जाती है तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग करते हैं. ओके अब चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं. किसी को रात में 9 बजे सोने की आदत है तो हम क्या बोलेंगे किसी को, तो जैसे कोई लड़की या कोई लड़का सोने जाता है तो हम क्या बोलते हैं, ही गोज टू बेड एट 9 o'clock या एट 9 p.m. तो दोस्तों ऐसे सिचुएशन में सिंपल प्रेजेंट क्योंकि वो एक आदत है तो हम लिख सकते हैं यहाँ सी गोज टू बेड एट 9 p.m. तो दोस्तों ये क्या है, इस सेंटेंस से ये पता चल रहा है कि वह रात्रि 9 बजे सोने जाती है, यानी उसका एक हैबिट है, आदत है सोने की, वो रात में जाती है. चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जांपल एक और देख लेते हैं. ऐसे देखिए कोई दोस्त आपसे मिलने के लिए आते हैं और वो सूर्योदय के सूर्यास्त के बाद आते हैं, यानी सूर्यास्त के बाद आते हैं या सूर्योदय के पहले आते हैं, या आपको एक निश्चित समय पर कोई दोस्त मिलने के लिए आते हैं तो हम क्या कहेंगे, तो बोलेंगे माई फ्रेंड्स, माई फ्रेंड्स कम टू मी बिफोर सनसेट, बिफोर द सन सेट. माई फ्रेंड कम टू मी बिफोर द सनसेट. अब देखिए मैं यहां क्या बोला, मेरे दोस्त सूर्य डूबने के पहले मेरे पास आते हैं. तो जब कोई आदत को कोई सेंटेंस बताए तो वहाँ दोस्तों बेफिक्र होके आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करिए. दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि यह आपका क्लास अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए. तब तक के लिए थैंक यू, सी यू टुमारो, बाय.